हेलो फ्रेंड्स, माननीय मेरे अमन जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेवर स्टॉक के बारे में जो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है, और ऐसे बियर मार्केट में जो जहां मार्केट सबसे ज़्यादा करेक्ट हो रहा है ड्यू टू वॉर। तो ये एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कंपनी है, तो ये एक स्टॉक हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन हो। और ये कंपनी गवर्नमेंट बैक्ड है और डिविडेंड भी ईयरली काफ़ी अच्छा देती है, तो लॉन्गर टर्म के लिए और कंटिन्यूस जो है रिटर्न्स के लिए मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है लॉन्गर टर्म के लिए लेना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप इस स्टॉक को चुनते हैं डिविडेंड के लिए, और डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी को लेते हैं। तो लॉन्गर टर्म का नज़रिया और सेफर स्टॉक, और आप देखेंगे इतना मार्केट टूटा फिर भी जो है ये स्टॉक जो है ज़्यादा गिरा नहीं, 1 रुपये ही गिरा है। तो कंटिन्यू जो है अगर 1 साल का चार्ट देखेंगे तो इसने 86 का यहाँ पे लो लगाया है, और 52 वीक हाई देखेंगे तो 141, और आज ये स्टॉक चल रहा है 112। मीन लोअर लेवल से ये थोड़ा बाउंस बैक हुआ है, तो ये एक अच्छा मौका है इस स्टॉक को थोड़े थोड़े करके भी अगर आपके पास लमसम है तो इसमें डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है और लोअर लेवल्स पे लेने का, ताकि लॉन्गर टर्म में डिविडेंड रिटर्न काफ़ी अच्छा मिले। और इनके काफ़ी सारे जो है पेट्रोल पंप से जहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बैटरी भी लगने वाली है, तो उसका भी फ़ायदा जो है इस कंपनी को होने वाला है लॉन्गर टर्म के लिए। तो लॉन्गर टर्म का नज़रिया रख के इस स्टॉक को लेना चाहिए। तो इसका अगर आप देखेंगे डिविडेंड की बात करेंगे, 2022 में इसने 4 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है, फरवरी में ही दिया है, तो 4 रुपये आपके यहाँ पे प्रॉफिट हो गए। और 2021 की अगर आप बात करेंगे तो ये कंपनी ने 1 2 3 4 चार बार कंपनी ने डिविडेंड दिया। अगर आप कैलकुलेशन भी करते हैं, 17 रुपये का डिविडेंड जो है 2021 में दिया, और अभी अगर देखेंगे तो 4 रुपये का, तो 21 रुपया तो यहीं पर आपको इस कंपनी के अंदर मिल गया। तो ऐसे हमेशा एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड देती है, तो ये एक अच्छा मौका है लोअर लेवल्स पे लेने का। और 5 साल का अगर आप चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक 200 के ऊपर था, तो अभी एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, बाउंस के अंदर मिल रहा है, और ऐसे कंडीशंस में अच्छे रेट पे अगर मिलता है तो लॉन्गर टर्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आप देखेंगे बाय रेटिंग इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा है, इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड 9% के करीब है जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसका अगर रेवेन्यूज़ देखेंगे तो दिसंबर 2021 में 199375 करोड़ का था, और प्रॉफिट देखेंगे तो 6143 करोड़ का था, जो कि काफ़ी अच्छा है। और गवर्नमेंट बैक कंपनी है तो डिविडेंड इनको देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को भी, तो अगर आपके पास भी रहेगा ये स्टॉक तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है। और इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास 51% है, रिटेल इन्वेस्टर्स 36, म्यूचुअल फंड्स के पास भी 3% है। और ये म्यूचुअल फंड से आप दे सकते हैं, ICICI प्रोडेंशियल, सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये सारे जो है म्यूचुअल फंड्स इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपको भी यही देखना है कि लॉन्गर टर्म का नज़रिया रख के ये स्टॉक अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकता है। भले ये धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन लॉस तो आपको नहीं होगा ऐसे अगर रेट पे लोअर रेट्स पे अगर लेते हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे कंसिडर ज़रूर करिएगा अपने पोर्टफोलियो में। चले, थैंक यू।